टोल प्लाजा खत्म कराया, पासपोर्ट ऑफिस बनाया, नादरा हाउस बनाया, नेशनल बैंक बनवाया, डिग्री कॉलेज के लिए 950 कनाल जमीन दी, मैंने वहाँ डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल बनाया, बदामी बाग में जनाब वैली मोहतरमा बेनजीर शहीद सेकेंडरी स्कूल बनवाया। हारने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मुझे वैक्यू बोर्ड का चेयरमैन बनाया। एनए 117 वालों को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे तो एमएनए इलेक्ट कर लेते हैं, कैडेट कॉलेज बनाऊंगा, पीएसएल का मैच इधर करवा के छोड़ूंगा, अकेडमी बनाएंगे, क्रिकेट की अकेडमी बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद आसिफ हाशमी है और आपको तो इलम है मैं आप लोगों का बड़ा पुराना खातिम हूँ और आपकी खिदमत करता हूँ। मैं जुल्फ़ार अली भुट्टो शहीद के साथ उनकी हुकूमत बनने और पार्टी बनने से पहले का बहुत छोटी सी उम्र होती थी, उस वक्त उनका साथ रहा और उनके साथ काम किया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसलिए फाउंडर मेंबर भी हूँ कि डॉक्टर मुबशर हुसैन साहब की गाड़ी घर में ही हमने पार्टी में जो तश्कील हुई, जब सारा कुछ बना तो वो मैंने उनके साथ वो करा और उस ज़माने में उन्होंने मुझे बड़े अच्छे अहदे दिए। मैं मुस्तफ़ा गुलाम वखर के भी एडवाइज़र रहा हूँ, नवाब सादिक कुरैशी का एडवाइज़र रहा हूँ, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी का एडवाइज़र रहा हूँ। बीबी के दौर में मैं रेलवे का एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, बीबी के दौर में मैं इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन का एडवाइज़र रहा हूँ। तो मैंने थ्रू आउट जो है पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, मैंने 117 के लोगों की खिदमत की है और वो मैंने कोई उन पर एहसान नहीं किया। और क्योंकि जब मैं उस हल्के में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब ने मुझे उससे उधर से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा और मैंने उनको ओबे किया, लाजमी बात है, वो मेरी लीडर थी, उन्होंने कहा। तो जब मैं उस हल्के में गया तो मुझे परेशानी हुई कि ये लाहौर का इलाका है और ये इस हद तक गंदा और इतना बुरा हाल इसका, और कोई इंसानियत का कोई बात ही नहीं की। और इतने लोग इधर से इलेक्शन लड़ते रहे, वहाँ से बहुत बड़े 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 लोगों ने इलेक्शन लड़ा और मैं नहीं चाहता कि मैं अब उनका नाम लूँ तो ऐसा लगेगा जैसे मेरा उनके साथ मुकाबला हो रहा है। जब मैं उधर गया तो जब टोल प्लाजा वालों ने मुझे रोका और मैंने टोल के पैसे दिए, तो मैं पहले भी उधर से गुजरता रहा लेकिन क्योंकि मैं इस्लामाबाद पिंडी जा रहा होता था तो वो पैसे देना तो मुझे ठीक लगता था, लेकिन जब मैं शाहदरा जा रहा हूँ और मैं शाहदरा के लिए पैसे दे रहा हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो फिर जब मैं वापस आया तो फिर मुझे टोल प्लाजा के पैसे देने थे। तो मैंने किसी से वायदा नहीं किया लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं, मैं ये टोल प्लाजा ख़त्म कराऊंगा। और परवरदिगार के फजलो करम से वो मैंने टोल प्लाजा ख़त्म करा दिया। अब मैंने देखा कि यहाँ 18-18 घंटे बिजली जाती है, तो पता किया तो कहते हैं कि जी ये विलेज है, पिंड है, शाहदरा पिंड है और ये जो है ना इसकी बिजली जो है ना वो गांव के हिसाब से जाएगी जैसे हमारे विलेज के जाती है। तो वो बिजली को मैंने जब ये देखा तो मैंने उसको शहर डिक्लेयर कराया, उसमें मेहनत लगी होगी मेरी लेकिन मैंने शहर डिक्लेयर करा दी। उसके बाद मैंने देखा कि इधर तो पासपोर्ट ऑफिस भी नहीं है, यहाँ की बुज़ुर्ग औरतें जो हैं वो इधर से जाती हैं और पासपोर्ट ऑफिस पर पासपोर्ट बनवाती हैं, कहाँ जाके, या एजल्टन रोड पर या बरकत मार्केट के पास था या वो कैंट में था, और ना कोई कन्वेंस है ना कोई बात है, और जा रहे हैं टोल प्लाजा को पैसे दे के और पैसे दे के आके, तो वो भी नहीं था। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे परवरदिगार के फजल से टोल प्लाजा ख़त्म कराया, वज़ीर आज़म को मैं हल्के में लेकर आया, उसके बाद मैंने पासपोर्ट ऑफिस बनाया, उसके बाद मैंने नादरा ऑफिस बनाया, फिर नेशनल बैंक का प्रॉब्लम था, फिर नेशनल बैंक कराया, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता था कि पैसे जमा कराने जो लोग हैं वहाँ के वो जाएं बाहर शहर में जाके पैसे जमा करा के फिर वापस आएं हल्के में, तो वहाँ ये तीनों चीज़ों कर दी इकट्ठी ताकि लोगों का वो। अब वहाँ कई जगह ट्रांसफार्मर नहीं थे, वहाँ कई जगह पे खंबे नहीं थे और कई फाटक ऐसी फजूल बंद करके रखे हुए थे रेलवे के, तो वो भी सारी चीज़ें जो हैं मैंने जाके वो अपनी मेहनत करी और उसको ख़त्म। ये इतनी आसानी से नहीं हुई चीज़ें, काफ़ी टाइम लगा इसके ऊपर। अब देखा ये कि यहाँ के लड़के पढ़े लिखे होने के बावजूद कई लड़के जो है आवारा गर्दी में थे और बड़े लोग माँ बाप उसके तंग थे, कोई बेवाएँ औरतें हैं उनका बेटा है, कोई गरीब ख़ानदान है उसका बेटा है, कोई गरीब ख़ानदान की बेटियाँ हैं, MSc की हुई है, MA किया हुआ है, क्यों है जी नौकरी नहीं है। अब इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हरवा दिया गया जैसे भी है, मुझे पता था मैं अच्छे वोट ले रहा था क्योंकि बीवी शहीद हुई थी और बड़े लोग, लेकिन उन्होंने मुझे वो मेरी बात जो है लोगों ने नहीं बात में समझी, लेकिन वो मुझे 100% पता था डब्बे तब्दील हुए या कुछ है उस पर जाने की बात नहीं। अब मैं हार चुका था,
हारने के बाद मैंने ये सारी चीजें करी। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको कंट्रोल प्लाजा खत्म कराया, पासपोर्ट ऑफिस बनाया, नादरा ऑफिस बनाया, नेशनल बैंक बनवाया, मैंने डिग्री कॉलेज के लिए, क्योंकि वहाँ स्कूल कॉलेज था ही कोई नहीं, डिग्री कॉलेज के लिए 950 कनाल जमीन दी और उनसे वायदा लिया। उन्होंने कहा बेनजीर भुट्टो शहीद इसका नाम रखेंगे पंजाब गवर्नमेंट से, उन्होंने नहीं रखा, लेकिन मेरी वहाँ की बेटियों के लिए स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, डिग्री कॉलेज। उसके बाद मैंने वहाँ स्कूल कोई नहीं था बेटियों बच्चियों का, मैंने वहाँ डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल बनाया, बदामी बाग में जनाब वैली मोहतरमा बेनजीर शहीद सेकेंडरी स्कूल बनवाया। कुछ है ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। वहाँ हमारे क्रिश्चियन भाइयों के घर जला दिए, सारा कुछ कर दिया, कोई उन सारों को मैं वजीर आजम हाउस ले गया ना कि बाहर ले गया, अंदर जिधर ये मीटिंग और ड्राइंग रूम है उसमें सबको जाके बिठाया, सबको 5-5 लाख रुपए तो उधर कैश दिलवाए, उसके बाद इधर घर बनवा के उनको सारों को दिए। बदामी बाग में कब्रिस्तान नहीं था, जिधर हमने दुनिया में असल जगह जाके जाके रहना है कब्रिस्तान, वो जगह दी। भुट्टो कॉलोनी में मैंने जनाब मेरी लोगों को प्लॉट दिए, घर बनवा के दिए, जो जो उधर प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ दिए। हाँ, फिर मैंने क्रिश्चियन भाइयों के लिए अपने वहाँ का भी गिरजाघर सही रेनोवेट कराया, आप देखें जाके दूसरे गिरजाघर जिधर जिधर थे वो कराए। उस इलाके में भी कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं थी, वहाँ भी कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी। जो सबसे बड़ा मसला, और जो सबसे पहले जब मुझे आसिफ जरदारी साहब लाहौर आए थे और मेरे इलेक्शन से पहले थे 2008 वाले, तो मैंने उनसे वायदा लिया मुझे इधर अस्पताल बनाना है, मुझे नहीं पता इन लोगों के पास अस्पताल नहीं है, हर वक्त यहाँ वो चलती रहती हैं एम्बुलेंसेज, और वो जाते हुए मैंने एम्बुलेंस के वहाँ के मैं हॉस्पिटल के उनसे पूछा सुपरिटेंडेंट से कि ये कितना होता है, कहता है जी जो शाहदरा से आती हैं वो अगर हार्ट अटैक हो या कुछ हो तो 60% या 65% उसने पूरे निकाल के दिए थे, इतने लोग रस्ते में मर जाते हैं। तो फिर मैंने कहा जी मुझे तो अस्पताल बनवाना है, वरना मैं इधर रखवा देता, बहुत सारी वो करवा देता है एम्बुलेंस वगैरह, नहीं मैंने अस्पताल बनवाना है। खैर परवरदगार के फजल से अस्पताल हुआ, फिर अपने महकमे की वहाँ ज़मीन दी उनको, अस्पताल भी बनवाना शुरू हो गया। फिर ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने ना हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट को कर दिया था, तो खैर अस्पताल तो बन गया, मेरा नाम तो मैंने पहले भी किसी चीज़ में नहीं रखा। तो अस्पताल बनने के बाद उसका नाम तो नहीं है, लेकिन ये लोग नवाज शरीफ अस्पताल उसको कहते हैं, लेकिन मैंने ही वो बनवाया है। और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ, ये जो फ्लाई ओवर आजकल बन रहा है, अब क्योंकि अब मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्फिया कह सकता हूँ, मैं मस्जिद में जाके कह सकता हूँ कि ये हमारे ज़माने में हुआ था, वो बन रहा था, तमीर होने वाला था, मैं तेरा इसको चला गया, वहाँ गवर्नमेंट मेरी ख़त्म हो गई हमारी, तो मैं जब चला गया तो जाने के बाद वो ये रुक गया। फिर या भी फिर पिछले दिनों इसको, क्योंकि इसका फंड स्लैप्स हो रहे थे, मैंने ही उसके लिए कोशिश की, भाई फंड स्लैप हो रहे हैं उसको फ्लाई ओवर तो बनाओ, फ्लाई ओवर बनाया हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, उसको नकवी साहब ने उसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ से करा दिया, लेकिन वो तो कराना ही था उनको, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद नहीं किया, उन्होंने उसे करा दिया। मेरे पास तो कोई हैसियत नहीं कि मैं खुद करता या मेरे पीपल पार्टी के लोग करते। मैंने 350 बच्चियों की शादियां कराई हैं, एक बच्ची की शादी भी मैंने इज्तमाही नहीं कराई, इसलिए कि वो जब इज्तमाही शादी जब होगी तो वहाँ के जो, जब वो बहू बन के जाएगी जिस घर में, वहाँ लोग कहेंगे कि तुम्हें तो हमने वो तुमने तुम्हें तो हमने सदके के पैसे से शादी करके आई हो। अब वो जो नौकरियाँ मैंने दी हैं, अब वो 2650 थी, 400 को इन्होंने बाद में निकाल दिया, लेकिन 2250 जो नौकरियां मैंने दी हैं उसमें मैं जेल में भी रह के आया हूँ, मुझे जेल भी जाना पड़ा, बाइज्जत बरी हो गया उधर, बाइज्जत बरी हुआ, क्योंकि एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिससे खुदा ना खास्ता किसी ने या कोई बंदे ने कोई पैसे लिया हो। मैंने शटल ट्रेन बनाई, मैंने शटल ट्रेन इन्होंने बाद में बंद कर दी, शटल ट्रेन इतना अच्छा मनसूबा था, कोई खर्चा ही नहीं, कुछ नहीं, डब्बे पड़े हैं रेलवे के पास, एक इंजन लगाया है, दो डब्बे तीन लगाने, जानी थी यहाँ से शाहदरा से गज्जू मत्ता है कोडलक पथ वापस आनी थी, 10 रुपये टिकट लगाया था, चेयरमैन बाबडा असदारी साहब सारे उसके अंदर शामिल थे, उन्होंने मान लिया मेरी बात को, हो गया। जब मैं चला गया तो उसको उन्होंने बंद कर दिया। मैं जेल में था तो बैठा मैं लोगों के काम करता था, जब मैं, और आप पता कर सकते हैं, सबको पता भी है हल्के के लोगों को कि जेल में बैठ के कितने काम किए, एग्जाइल था, बाहर गया हुआ था, वहाँ से बैठ बैठ के लोगों के काम करता था। और मैं हमेशा रब से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे ऐसी पोजीशन दे कि जब भी मैं किसी का काम करना चाहूँ, जब भी कोई मेरे पास साइल आए और उसकी मजबूरी हो तो मेरे से वो उसके उसकी हेल्प करवा दे और मैं उसका काम कर सकूँ। एन ए 117 वालों को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे तो MNA इलेक्ट कर लेते हैं तो ये वायदा जो मैंने पहले वायदे नहीं किए थे, हारने के बाद कितने काम किए, अब ये जीतने के लिए काम कह रहा हूँ।
मैच जीतने के बाद आपको यंग लड़के जितने एक तो तैयार हो जाए जो नौकरी वाले, नौकरी कराऊंगा। पिछली दफ़ा 2500 नौकरी में अंदर हुआ ना, 2.5 साल, इस दफ़ा 5 साल 5000 नौकरी दूंगा, चाहे अंदर 5 साल के लिए कर दें। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ NA 117 के लोगों को कि यहाँ कैडेट कॉलेज बनाऊंगा। अगर इतने कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज बनाए हैं ना, अस्पताल बनाए हैं, तो कैडेट कॉलेज बनाऊंगा। PSL का मैच इधर करवा के छोड़ूंगा, अच्छे से बेहतरीन स्टेडियम बनाएंगे, अकेडमी बनाएंगे, क्रिकेट की अकेडमी बनाऊंगा, स्कॉश कोर्ट की। और जितने बुजुर्ग लोग हैं जो 60 और 65 साल से ऊपर हैं, उनकी 4 या 3 यूसीयों में, हर यूसी में 3 में एक उनके लिए वो बनाऊंगा, एक खाना के लिए तंदूर रेस्टोरेंट टाइप का चीज़, जिसमें ये लोग मुफ्त खाना खाएंगे। जो आईडी कार्ड अपने आप को आकर रजिस्टर कराएगा, आईडी कार्ड पे उसकी उम्र 60 से ऊपर होगी, 65 से भी होगी, तो वो उनको खाना फ्री मिला करेगा, कोई किसी किस्म से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से जो हैं रिटार्डेड बच्चे होते हैं, माजूर बच्चे होते हैं, उनके लिए पहले भी मैंने हॉस्टल बनाया था, जो इन्होंने उसको तोड़ दिया और उसको हॉस्टल को, उसके बाद उसके अंदर शादी हॉल बना दिया। लेकिन मैंने तो जो बनाया था वही था कि मजदूर बच्चे होते हैं, इनके माँ बाप को परेशानी होती है, ये किधर जाएंगे, इनके हमारी मरने के बाद इनको कौन पूछेगा, तो उनके लिए मैं हॉस्टल बनाया था। और बाहर मैंने नंस से बात की थी लंदन वगैरह में, उन्होंने कहा था ठीक है, हम अपने नंस की ड्यूटी लगाएंगे, हर 6 महीने में 2-3 आया करेंगे, फिर वो बदल के नेक्स्ट आया करेंगे 6 महीने, वो सारा लुक आफ्टर करेंगे मजदूर बच्चों को, और वो एक्सपीरियंस है इस मजदूर बच्चों के लिए। दस्तकारी स्कूल दोबारा बनेंगे, दस्तकारी स्कूल, ओल्ड पीपल हाउस। और मैं जो आपसे वायदा कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे इस वक्त अगर जहन में नहीं भी आ रही मिसाल के तौर पर, लेकिन आप ये समझ लें कि यहाँ उसके बाद पहले कैडेट कॉलेज, उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसके गिर्द नवा में जिधर मेरे पास ज़मीन होगी, वहाँ हम इंशाल्लाह ताला इस इलाके में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इसके अंदर अम्यूज़मेंट पार्क बनाऊँगा, अब ये रावी के साथ जो जगह है उधर अम्यूज़मेंट पार्क, आप समझते हैं अम्यूज़मेंट पार्क जो बड़े बड़े झूले होते हैं, दूसरे होते हैं, ताकि इधर के बच्चों के और बाहर के पूरे लाहौर के लोग उधर आएँ, लाहौर के लोग कहें कि क्या चीज़ ये बनी है, और वो इंशाल्लाह ताला वहाँ बनेगी, और आप देखेंगे कि रब्बुल आलमीन ने मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया। थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, दे दें वोट। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी पोजीशंस में रहा हूँ, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे बड़ी अच्छी पोजीशंस दी थी, वो मुझे अपने साथ भी लेके जाते थे, अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, इटली, जर्मनी वगैरह सब जगह वो मुझे लेके गए। फिर मैं छोटी उम्र थी तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लाहौर में जाके ना मुस्तफ़ा खर के साथ काम करो, वो गवर्नर थे मुस्तफ़ा खर साहब, तो उधर से फिर कॉलेज जाता था गवर्नर उससे, और उधर वापस आता था। उसके बाद मुझे उन्होंने वहाँ लगा दिया, नवाब भावलपुर आए, क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब से थोड़ी सी उनकी ताल्लुकात ख़राब हुए थे, तो फिर नवाब भावल के साथ लगाया। फिर उसके बाद नवाब सादिक हुसैन कुरैशी को जब चीफ मिनिस्टर लगाया हनीफ नामे साहब को हटा के, तो फिर उनके साथ उन्होंने मुझे कहा कि तुम इधर काम करो। फिर उधर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किए, इतनी मेहनत की है, इतने काम किए हैं उस ज़माने में, सब शेरपा ब्रिज, माल का दूसरा ब्रिज, दाता साहब की सड़कें चौड़ी, गुलबर्ग बुजुर्ग का कारपेटिंग प्लांट, ये मैंने खुद ज़ाती तौर पर मंगाए हैं। पहले ये लुक मारते थे, स्प्रे करते थे, बजरी फेंकते थे और रोलर चलाते थे, मैंने ज़ाती तौर पर, ज़ाती का मतलब है था गवर्नमेंट से आया है, लेकिन मैंने ये ऑर्डर किया था, और ये कारपेटिंग प्लांट जो आज भी सड़कें कारपेट होती हैं ये मैंने खुद बनवाई थी। हमने जेलों के अंदर भी दस्तकारी का काम शुरू कराया था, दूसरा करा था, ताकि उधर भी जनाब लोगों को कुछ सीखें, उस पर को काम आए, ताकि 12 के फिर से वो चोरियां ना करें। तो अब ये चीज़ देखते हुए जब मैं इधर हार गया इलेक्शन, तो मुझे हमारे सदर साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मुझे वैक्यू बोर्ड का चेयरमैन बनाया, तो ये मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कहलाते हैं, उसमें रहते हुए मैंने ये सारे काम हारने के बाद कराए, इलेक्शन हारने के बाद ये सब काम कराए हैं। मैं इलेक्शन जीता हुआ होता तो मैंने तो नेशनल असम्बली में सीट पे बैठ के भूखे हड़तालें कर देनी थी, भूख हड़ताल अगर मेरे हल्के का कोई काम ना होता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच।